हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक इन माय चैनल आतिश कुमार ब्लॉग, आप तक में आपका स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं राजस्थान में एक स्थित किले की कहानी, जिसको आप लोग आमतौर पर आमेर का किला कहते हैं, यानी उसको अंबर फोर्ट भी कहा जाता है, जो राजस्थान के जयपुर शहर से 11 किलोमीटर दूर आमेर में स्थित है। ये अरावली की पहाड़ियों की उन चोटियों पर स्थित है जहाँ शांत वातावरण और खुला आसमान है। गाइस, इस दुर्ग की कहानी इतनी लंबी बताई जाती है जितना कि किसी ताजमहल की भी नहीं। हाँ, ताजमहल को भी बनने में इतना सारा वक्त नहीं लगा होगा जितना कि इस दुर्ग के बनने की कहानी है। ऐसा लोगों का मानना है कि इसका कार्य अगले 100 सालों तक चलता रहा। जो ही इस निर्माण कार्य को देखा जाए तो तकरीबन आज से 400 साल से भी अधिक हो चुके हैं, तकरीबन 400 से 425 साल हो चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि राजा मानसिंह द्वारा कछवाहों के शासनकाल में 1598 ईस्वी में इसके कार्य शुरू किए गए थे और अगले 150 वर्षों तक उनके और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा इसके रख रखाव और नव निर्माण का कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। और गाइस, इस महल की लोकप्रियता को आप यूँ आप समझ सकते हैं कि इसको देखने के लिए भारत के विभिन्न शहरों से लोग तकरीबन 4 से 5 हज़ार लोग पर डे वहाँ जाते हैं और उस महल को देखते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में अब और देर ना करते हुए मैं आपको उस किले की तरफ ले चलता हूँ। कृपया इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तब जाकर आपको इसकी कुछ भव्यता और लोकप्रियता समझ में आ पाएगी। और हाँ, एक और बात, आप जब कभी भी जयपुर जाएँ इस किले को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं चाहता हूँ कि आप खुद से एक बार इस किले का दीदार करें और इसकी हकीकत को जानें। गाइज, अगर ये वीडियो आपको हमारा पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिलता रहे और आप यूं ही हमारे वीडियोस को देखकर एंटरटेन करते रहें। जब कच ढूंढ आएगी, अरे क्या बात है, वाजी वाह। Thank you.
वही में बैठ के हवा खाई बैठे नीचे से हवा क्या लगा ऐसी लगा